जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम स्पिरिचुअल एकेडमी। ये क्लास 10th जी मैथमेटिक्स पढ़ूं था, जैमें अज न्यू चैप्टर स्टार्ट कंदासे। चैप्टर नंबर आहे 18, न्यू कोर्स मुताबिक। नखागे में असा यूनिट 17 जो पहरों चैप्टर हो 10th जो पढ़ियो से, सेट्स एंड फंक्शंस। और ये बियो चैप्टर है 10th में वेरिएशंस। स्टूडेंट्स है ना चैप्टर का ता वाकिफ हो हेठन क्लास में ता ना सागे चैप्टर के जी ता ता दिसो ता जो लेक्चर आ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है नी। वेरिएशन भी तकरीबन वो सागी ही गाद है जेका ता हेठन क्लास में प्रोपोर्शन में पढ़ी आया हो। बट पहरियों इन में दिसंदो जी रेशियो, रेशियो कें के चाहिए, रेशो चाहिए तुम डिठो हों, तो रेशो के अक्सर कर सूरत में ब डॉट्स डींदा इन से रिप्रेजेंट कंदा। रेशो चाहिए कें के आहे, रेशो चाहिए द सिंपलेस्ट रिलेशन, ठीक है जी। रेशो जी जैसे डेफिनेशन क्यों द सिंपलेस्ट रिलेशन, रिलेशन ने चवन चाहो तो कंपैरिजन भी चई सको, द सिंपलेस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है जी। ब या बिन का वधिक क्वांटिटीज होजन तो उन्हें जे विच में सिंपलेस्ट रिलेशन जेको है उनके रेशो चवंदा आहियूं। पहिरियों त इहो ॾिसो त जेकॾहिं त ॿ क्वांटिटीज़ हुजनि त ए रेशो बी हीअं लिखिजे त बि ठीकु आहे, जेकॾहिं तव्हां हुनखे ए अपान बी लिखंदव उहो बि ठीकु आहे। हा वधीक हुजनि त पोइ रेशो खे न डबल डॉट सां ई असां ज़ाहिर कंदा आहियूं, माना जेकॾहिं टे क्वांटिटीज़ हुजनि त पोइ हुनखे ए रेशो बी रेशो सी सां रिप्रेजेंट कंदा आहियूं। अच्छा हाँ ऐसो चयोसे तो रेशो आहे सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन टू आर मोर सिमिलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जो मतलब है तो फर्ज कर अस वट ब डिफरेंट क्लासरूम्स होजन, एकड़े क्लास में स्टूडेंट्स जो जो तादाद है, लेट सपोज क्लास ए में 40 स्टूडेंट्स वेठा नी, जैसे तो क्लास बी में जो वो वे तो 50 स्टूडेंट्स वेठा नी। हाँ जैसे पुछो वे तो ए बी के विच में ये रेशो थी चवे रेशो थी 40 रेशो 50। हाँ बट इनके सिंप्लीफाई कदे तुम ऐसो था इतने 40 और 50 बिन्हीं से जो टेबल वे तो 10 जो टेबल वे तो 40 से घना दफा वो 4 टाइम्स, 50 से घना दफा वो 5 टाइम्स। मान हाँ रेशो जो बुधाईदे अस 40 रेशो 50 न बुधाईंदे बल्कि रेशो बुधाईंदे 4:5। अच्छा ही सिंपल अस कर छोड़े, बट जैसे तागे क्वेश्चन के हिं भी करना चाहो तो 40:50 है, इनके तुम 40 अपान 50 लिखा, तो सागी तरह टेबल इन 10 जो 4 टाइम्स, इन 5 टाइम्स, माना ही थी 4/5 और से 4:5 ये भी कर सो। अच्छा बट जैसे टे शयों हुजन या टे क्वांटिटीज हुजन वो भी टेबल जो सेम पढ़ो आज टिन्हन से वे ये न हुए तो अड़ो टेबल पढ़ू जो बिन से वे तो टे नो वे नो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इतने ये अस लिखो है लेट सपोज जी ए बी एंड सी, हाँ जैसे पूछो वे तो वॉट इज द रेशो बिटवीन ए B and C 20:40:15। हाँ इतने ऐसा 20 या 40 से 20 जो भी टेबल वे तो बट 20 जो न पढ़ासी अस वाए छो तो 20 जो टेबल 15 से नो वे जो टेबल पढ़ासी अड़ो टेबल पढ़ासी जो सभी वे जी 5 जो टेबल, 5 जो टेबल 20 से वो 4 टाइम्स, 5 जो टेबल 40 से वो यस 8 टाइम्स,
फिफ्टीन ते वेंदो थ्री टाइम्स ऐं इहो हिन जो आंसर थी वेंदो। चवंदासीं इहा असांखे रेशो मिली वई फोर रेशो एट रेशो थ्री। ठीकु आहे जी, इहा शइ हेठियनि क्लासनि में तमामु घणी असां पढ़ी आया आहियूं। अच्छा, हिन में वधीक असां रेशो में जेकॾहिं ॾिसणु चाहियूं, ठीकु आहे जी, त हिन में असां अॻिते नेक्स्ट प्रोपोर्शन ते वञूं था। रेशो में, ठीकु आहे जी, यादि रखंदो त रेशो सां हमेशह अटैच में टॉपिक जेको हूंदो आहे उहो प्रोपोर्शन हूंदो आहे। वॉट इज प्रोपोर्शन? हाँ जी, प्रोपोर्शन छाके चाहिए है? प्रोपोर्शन चाहिए है व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये चाहिए है व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मन जॾहिं ॿ रेशोस पाण में बराबरि हुजनि त उनखे असां चवंदा आहियूं, जी छा चवंदा आहियूं, प्रोपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जी ए रेशो बी हिकिड़ी रेशो हुजे, ऐं या उन खां अॻु में पहिरियों नंबर्स जी फॉर्म में मिसाल ॾेई छॾियो, लेट सपोज हिकिड़ी रेशो थ्री रेशो फाइव आहे ऐं ॿी रेशो असां वटि जेकॾहिं सिक्स रेशो टेन आहे, त असां चवंदासीं त इहे ॿई रेशोस पाण में इक्वल आहिनि। सो असां चाहियूं त हिते इक्वलिटी वारी साइन हटाए करे बराबरि जी निशानी जी जाइ ते हीअ प्रोपोर्शन जो साइन हूंदो आहे, सैम्बल हूंदो आहे। ठीकु आहे, जीअं रेशो जे लाइ असां ॿ डॉट्स ॾियूं था, ईअं प्रोपोर्शन खे ज़ाहिरु कबो आहे हीअ फोर डॉट्स ॾेई करे, त थ्री रेशो फाइव इज़ प्रोपोर्शन टू सिक्स रेशो टेन। इहे बराबरि थी, ॿई रेशोस छो बराबरि थी, छो त तव्हां ॾिसो जेकॾहिं हिनखे रफ करे ॾिसो थोरो, त हीअ जेको सिक्स रेशो टेन आहे हिनखे जॾहिं तव्हां सिम्पलीफाई कयो था, तव्हां ॾिसो था त सिक्स ऐं टेन ते छा जो टेबल वञे थो जी, टू जो टेबल हिन ते थ्री टाइम्स, हिन ते फाइव टाइम्स, माना हीअ थ्री रेशो फाइव, यानी सिक्स रेशो टेन जेको आहे इहो एक्चुअली थ्री रेशो फाइव ई जे बराबरि आहे। हा, ॿियो बि तरीक़ो हूंदो आहे चेक करण जो, उहो छा त हीअ जेके अंदरियां ॿ नंबर नी हिननि खे मीन्स चवंदा आहियूं, ॿाहिरियां जेके ॿ नंबर नी हिननि खे चइबो आहे एक्सट्रीम्स, मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। ॿियो मैथड इहो हूंदो आहे जेको असल में प्रोपोर्शन जो लॉ बि आहे, त प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। माना कंहिं बि प्रोपोर्शन खे तव्हां चेक करणु चाहियो था त उहो राइट आहे, करेक्ट आहे। तव्हां हुन जा ही अंदरियां ॿई नंबर पाण में मल्टीप्लाई कयो ऐं ॿाहिरियां ॿई नंबर पाण में मल्टीप्लाई कयो, रिज़ल्ट तव्हांखे सेम मिलंदो। दैट मीन्स त दिस प्रोपोर्शन इज़ वैलिड, करेक्ट आहे। ठीकु आहे जी, अच्छा, बट हाणे हिते यादि रखंदो त इहो न आहे त जस्ट असांखे कुझु चेक करिणो आहे। अच्छा, चेक करण लाइ बि ॿियो बि मैथड करे सघो पिया, त रेशो खे जेकॾहिं अपान सां ज़ाहिर कयो आहे थ्री रेशो फाइव न लिखो आहे हुनखे, थ्री अपान फाइव लिखो खणी, ऐं सिक्स रेशो टेन नथा लिखो त हुनखे सिक्स अपान टेन। हाणे भले हिनखे सिम्पलीफाई कयो या बाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिम्पलीफाई करे आयो मथे, त जॾहिं तव्हां हिनखे सिम्पलीफाई कंदव त ॿई साइड्स पाण में इक्वल अची वेंदा, या बाए क्रॉस मल्टीप्लाई जेकॾहिं कंदव त तव्हां ॾिसंदव त बाए क्रॉस मल्टीप्लाई करण सां जी थ्री टेन त थर्टी थी वेंदो ऐं फाइव सिक्स त बि थर्टी थी वेंदो, बोथ साइड्स आर इक्वल। अच्छा, हाणे क्वेश्चन असां वटि ईअं न ईंदो त जस्ट चेक कयो, नो, क्वेश्चन छा हूंदो आहे त वैल्यू फाइंड करणी हूंदी आहे। मिसाल तौरु चयो वञे फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वेयर, या इफ सपोज थ्री रेशो सेवन इज प्रोपोर्शन टू एटीन रेशो
एक्स ये ऐसो ही प्रोपोर्शन असन सामो है अस के अनमा छाजी वैल्यू फाइंड करनी है नी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी कि फाइंड कर सेम लॉ यूज कंदे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पे एक्सट्रीम्स लिखण चाहो एक्सट्रीम्स लिखो मीन्स लिखण चाहो तो मीन्स लिख जी अस एक्सट्रीम्स लिखा नहीं उन साइड से साइड से लिखो तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स थ्री मल्टीप्लाई में उन साइड से वो जी थ्री डिवाइड में हलो थ्री से डिवाइड कंदे थ्री जो टेबल एटीन से वे तो सिक्स टाइम सो एक्स इज इक्वल टू 40 सो इट्स आंसर इज 42 ठीक है जी दही तुम ऐसो पे तो प्रोपोर्शन में जैसे चार एलिमेंट हूँ तो उन्होंने जो अस एलिमेंट मिलल हूँ एकड़ो एलिमेंट अननोन हों सॉरी टे एलिमेंट्स मिलल हूँ एकड़ो एलिमेंट उन्होंने जो अननोन हों तो वो अस इन तरह से फाइंड कर सो भी मेथड है इनके जगी तरह से जी मथे समझाया से रेशो के जैसे अपान से रिप्रेजेंट किया ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल इन्हीं क्वेश्चन के ही अगेन दिसंदो 3:7 प्रोपोर्शन टू 18:x हो असके एक्स फाइंड कर सागे ही क्वेश्चन के अदर वे से करना चाहो 3/7 इज इक्वल टू 18/x नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 3x 18/7 थ्री मल्टीप्लाई में उन साइड से वो डिवाइड सेम कम है 3/6 18 सो आंसर विल बी 42 बिन्न में जै भी तरह से क्वेश्चन के तुम करण चाहो तुम्हारी मर्जी है अच्छा हाँ ऐसो एक्सरसाइज में बुक में क्वेश्चन कुछ जो बुक में पे तो चे तो ये कुछ नंबर्स नहीं उन्होंने विच में अस रेशो फाइंड करनी है कुछ रेशोज जहाँ क्वेश्चन नहीं उन वरी कुछ प्रोपोर्शन जहाँ क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइज 18.1 है तुझे सामू फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में ही एकड़ो पार्ट छोड़ो मैं कहें तो जैमें चाहे तो रेशो फाइंड कर 200 ml एंड 2 L लिखल है L स्टैंड्स फॉर लीटर जने तो ml स्टैंड्स फॉर मिली लीटर हाँ इतने ऐसो रेशो तो फाइंड थी वी क्वांटिटी सेम नी ml या L बई यूनिट आन लीटर चौं या मिली लीटर चौं छो यूनिट आयो वॉल्यूम जो बट याद रख तो यूनिट सेम होजन जरूरी है पो रेशो फाइंड कर ये 2 liters नी चाहे तो 2 liters के मिली लीटर्स में कन्वर्ट कर या मिली लीटर्स के चाहो तो लीटर्स में कन्वर्ट कर बेहतर यो है अस इनके चेंज क्यों था लीटर के 1 liter याद रख 1 liter इज इक्वल टू हाउ मैनी मिली लीटर्स ये मिली जो मतलब ही 1000 part हों मीन्स 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml सो इट मीन्स द 2 liter मीन्स हाउ मैनी मिली लीटर्स 2 × 1000 कहते दैट विल बी 2000 ml मतलब चवण जो हाँ जो रेशो अस फाइंड कहे वह 200 की रेशो 2 से फाइंड न कहे बल्कि 200 की रेशो फाइंड कहे 2000 से छो तो वो भी ml में अची वो हि भी ml में है बोथ आर ml मिली लीटर्स में आन मन बिन्न जो यूनिट सेम हों तो रेशो फाइंड कहे अच्छा यूनिट सेम थी बट हाँ इतना तुम तो हि बिन्न टेबल वे तो पे तो यो बेहतर हों जेतरा जीरोज एक जेतरा होजन उ पान में कैंसिल किया ब जीरो इन जहाँ कैंसिल ब उन जहाँ कैंसिल मीन्स ये थो 2:20 बट ऐसो अजा भी टेबल वे तो जी छो टेबल वे तो 2 जो टेबल वे तो सो 2 जो टेबल इनते पढ़ा 1 time इन वो 10 times सो दिस इज द आंसर ठीक है जी तुम ऐसो पे अड़ी तरह से रेशो जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व थी अच्छा एक्सरसाइज ही तमाम वही है इनमें बया भी कुछ क्वेश्चन आन इंशाल्लाह वो ऐसा नेक्स्ट लेक्चर से कुछ इनमें क्यों था कुछ जी हुए नेक्स्ट में ऐसा कंदा से ठीक है जी समझ में अची वो
राइट स्टूडेंट्स, ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में असां इन एक्सरसाइज जा ॿिया क्वेश्चन कंदासीं ऐं हुन सां गॾु वरी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जेको आहे उहो बि स्टार्ट कंदासीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।